वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सातवीं बार अपना रिकॉर्ड बजट पेश कर रही हैं। आपको बता दें, इससे पहले राजस्थान में वित्त मंत्री और उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने अपना बजट पेश किया था और राजस्थान में लगभग हर वर्ग को छूने की कोशिश की गई थी और वित्त मंत्री ने अपना बजट भाषण इस समय शुरू करने से पहले कहा था कि हमारा फोकस गरीब, युवा, महिला और अन्नदाता यानी किसान पर फोकस रहने का होगा। बजट भाषण शुरू हो चुका है, क्या कुछ बजट में रहेगा वो तो खैर बजट पूरा होने के बाद पता पड़ेगा, लेकिन हमारे साथ विधायक जितेंद्र गोठवाल इस समय मौजूद हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे। भाई साहब, राजस्थान का जब बजट आया था तो कहीं ना कहीं हर वर्ग को छूने की कोशिश की गई थी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज अपना बजट भाषण शुरू करने से पहले कहा है कि हमारा फोकस गरीब, युवा, महिला और अन्नदाता यानी किसान पर रहेगा। हालांकि केंद्र का बजट अभी पेश हो रहा है, लेकिन स्टार्टिंग का जो भाषण है उसे देखकर क्या लगता है आपको? देखिए, मोदी जी की सरकार जब से देश के अंदर बनी है, उनका फोकस किसान, युवा, महिला, गरीब को सदैव रहा है। उसके बहुत बड़े उदाहरण हैं किसान सम्मान निधि, महिला सशक्तिकरण, युवाओं के लिए रोजगार देना, बहुत सारे इस तरह के उदाहरण हैं, किसान सम्मान निधि देना। मुझे लगता है कि जो केंद्र की सरकार में बैठे हुए लोग हैं वो निश्चित तौर पर जो कहते हैं वो करते हैं। जैसा निर्मला सीतारमण जी ने कहा, बजट मुझे लगता है उससे भी अच्छा होगा और फिर बाकी बजट के बाद हम चर्चा करेंगे। भाई साहब, एक छोटा सवाल ये भी है कि लगातार राजस्थान का जब बजट पेश हुआ था तो लोगों को उम्मीद थी और विशेषतर महिलाओं को कि उनके जो घर का जो बजट है वो कम होगा। सीधी सी बात है, उनका कहना था एलपीजी गैस के ऊपर और जो आम जो लोग हैं उनका था पेट्रोल और डीजल की कमी को लेकर। हालांकि अभी राजस्थान में वो नहीं हुआ है, लेकिन अब इन लोगों को, तमाम प्रदेशवासियों को केंद्र से उम्मीद है। देखिए, आपको ध्यान है या नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन भजन लाल जी की सरकार बनते ही हमने पेट्रोल डीजल के रेट कम किए थे। भजन लाल जी की सरकार बनते ही 450 रुपये में सिलेंडर देने की बात हमने कही थी, वो हमने पूरी की। हमारी सरकार में जो हमने वादे किए हैं, ये पहली सरकार है भजन लाल जी की सरकार जिन्होंने 70% वादों को पूरा किया है। निश्चित तौर पर हम जो हमारे वादे हैं वो 100% पूरा करेंगे और सारे वादे पूरे करने के बाद फिर से हम जनता। ये थे हमारे साथ जितेंद्र गोठवाल जी। इनका साफ तौर पर कहना है कि राजस्थान का जो बजट आया था उसमें लगभग हर वर्ग को छूने की कोशिश की गई और इस बार भी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट से गरीब, युवा, महिला और अन्नदाता को ज़रूर राहत दिलाई जाएगी। और वर्तमान में राजस्थान में भजन लाल जी की सरकार है, उनका कहना है भजन लाल जी की सरकार ने न सिर्फ पेट्रोल, डीजल और गैस में राहत दी है बल्कि और भी विभिन्न क्षेत्र हैं जहाँ पर लोगों को छुआ गया है और केंद्र के बजट से भी भारतवासियों को, प्रदेशवासियों को राहत मिलने की पूरी उम्मीद है। सहयोगी कैमरामैन अजय के साथ उमंग माथुर, जनता दरबार।